भारती जी, आपके परिवार का प्यार और आप सबकी दुआएं हमारे लिए काफी हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए हमें आपसे। हाँ जी बहन जी, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा तोहफा हम आपसे नहीं ले सकते। गाड़ी हमारे पास हो या फिर हेतल के पास, जब भी जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। एक ही गली में तो घर है भाई। कौन अम्बा जी इतना कह रही हैं, तो उनका मान रखने के लिए रख लो ना कार प्लीज। ठीक है भारती पुत्र, ये तोहफा तुम अपनी बेटी और दामाद को देना चाहती हो, खासतौर से अपनी बेटी हेतल, तो तुम्हारी और हेतल बिटल बेटी की खुशी के लिए हम हेतल पुत्र को ये तोहफा लेने से मना नहीं कर सकते। ये ले बेटा, आज से गाड़ी तुम दोनों की। तुम्हें कार चाहिए थी ना, तो मिल गई तुम्हें कार। अब रखो इसे अपने पास। एंड थैंक यू हेतल, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अब मुझे तुम्हें ऐसी कोई महंगी चीज खरीद के देने की जरूरत नहीं है। छोकरी तूने देखा नहीं था अनुकल्प को कार से कितना लगाव हो गया था? हैं? उसको कार से भले ही कितना भी लगाव हो गया हो, लेकिन ना इन क्यूट क्यूट बहनों के सामने भला कार कुछ मायने रखती है? अगर इसी तरह हेतल के घर वाले ऐसी महंगी चीजें देते रहेंगे तो करण वो यही सोचने लगेगा कि वो अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर खुश नहीं रख सकता। जो कुछ भी करते हैं उसके मायके वाले ही करते हैं। हेतल ने जरूर जाके मायके में कोई खिचड़ी पकाई होगी, इसलिए भारती पैनजी गड्डी की चाबी लेकर यहाँ आ गई। मैनू ते बड़ा ही बुरा लगा जी, कितने खुश थे अनुकल्प और मोना गड्डी लेकर। गुरनाम भाई साहब और परजाई जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा करके हम मोना के साथ बुरा करेंगे। भाई साहब और परजाई जी के बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया। भैया अगर आपका हो तो मैं जिम ज्वाइन कर लूं। मेरा मतलब मुझे जिम ज्वाइन करना है और उसकी मेंबरशिप के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। वो भला कैसे हो सकता है? हमें तुम्हारे भैया और मुझे कटौती करनी पड़ेगी ना अपने खर्चों में, वो नहीं हो सकता। सेजल मुझसे बात कर रही है, उसको मुझसे पैसे चाहिए, मुझे देखने दो क्या करना है। और वैसे भी मेरे लिए सेजल की जरूरतें और उसकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू भैया, मैं जानती थी आप मुझे कभी ना नहीं बोलोगे। अभी तो सिर्फ बोला ही है, पैसे कौन से दिए? सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दीदी नहीं, राइट उसको लाए। दीदी अरे सेजल इसको आगे से हटने के बोलिए। अरे भैया अरे 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 इसको बोला। अरे अरे आजा मैं दिखाता हूँ, देखो। दो चार बार ठोकेगी नहीं तो सीखेगी किसे? बैठ, डर मत। जी अच्छा जी, चलिए। देखिए चल, गाड़ी चलाने में तीन चीजों का ध्यान हमेशा रखना, ए बी और सी। ए मतलब एक्सेलरेटर, वो राइट साइड वाला, सबसे इधर वाला ना। देखा अम्बा जी, मैं कहती थी ना अनुकल्प को अपनी गाड़ी से भले कितना लगाव शगाव, पर अपनी दोनों बहनों के आगे उसे कोई चीज प्यारी नहीं। बहुत प्यार करता है वो दोनों से। अम्बा जी ना बहुत दुखी सुखी है भाई कौन, वो तुम उनसे नाराज हो ना इसीलिए। वो सोचती है कि वो जिसके लिए राजकोट छोड़कर यहाँ पर आई है, अगर वो ही उनसे नाराज रहेगा तो उनके यहाँ रहने का क्या फायदा, इसलिए वो जा रही है, राजकोट वापस जा रही है।